महिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी मंच पर विराजमान, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचस्थ अतिथिगण, दीनदयाल शोध संस्थान के पदाधिकारीगण, स्वावलंबन अभियान के इस काम में जुड़े हुए 650 ग्रामों से पधारे हुए महिला पुरुष, प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में संत महात्माओं का आशीर्वाद हमेशा रहता है, ऐसे हमारे श्रद्धेय संत महंत, उन सब के आशीर्वाद से यहाँ पर काम शुरू हुआ। प्रभु श्री राम की तपोभूमि को कर्म भूमि बनाने वाले परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने 1991 से इस चित्रकूट की धरती में काम करना शुरू किया। अनुसुईया जी के महाराज जी उनको यहाँ लेकर के आए। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था वो पिछड़ा और अभावग्रस्त क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था वो अपराध से ग्रसित था। जब काम शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि शिक्षा का यहाँ अभाव है, गरीबी है, और उस सब के पीछे शिक्षा की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से हुई, थोड़े समय बाद उसको छोड़ना पड़ा। दीनदयाल शोध संस्थान ने समाज का काम समाज के लिए, समाज के द्वारा करने का संकल्प लिया और सोचा कि चाहे भारत की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, जो सहयोग गांव वालों को स्वतः मिलता है केवल उतना ही सहयोग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हमें कोई विश्व बैंक का पैसा नहीं चाहिए, कोई अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी का पैसा नहीं चाहिए, हमें अलग से गांव को अच्छा बनाने के लिए कोई धन नहीं चाहिए। जो भी कुछ चाहिए है वो हम अपने से करेंगे, अपने बलबूते करेंगे, और उस अपने बलबूते करने के लिए हम लोगों ने उसको ठाना 1994-95 से। पहले हम खेती का काम, पानी का काम, रोजगार का काम, पढ़ाई का काम, दवाई का काम अलग अलग करते थे। बाद में नाना जी के मन में आया कि अलग अलग करने की जरूरत नहीं, अगर ये इंटीग्रेटेड वे में नहीं जाएगा तो गांधी जी का समाजवाद, गांधी जी का ग्राम विकास का सपना जो ग्राम स्वराज का देखा था, जो विनोबा जी ने देखा था, जो आगे आने वाले महापुरुषों ने देखा था, जो अपने कलाम साहब ने विजन 2020 में देखा था, वो अगर हमें साबित करना है तो हमको उसको यहाँ पर एक साथ सामूहिक प्रयत्न से करके दिखाना पड़ेगा। और हम लोगों ने फिर ये नहीं देखा कि दीनदयाल शोध संस्थान का बैनर है कि नहीं, दीनदयाल शोध संस्थान का कोई पट्टी या नाम लगा है कि नहीं, नाना जी का पोस्टर पे नाम है कि नहीं। हमने देखा कि अगर सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट काम कर रहा है तो उसकी मदद करो, अगर कोई पाठा क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसकी मदद करो, अगर सदगुरु रामभद्राचार्य जी कुछ काम कर रहे हैं तो उनकी मदद करो, लेकिन किसी भी तरह से चित्रकूट को खड़ा करो, पूरी दुनिया में चित्रकूट का नाम ऊपर करो और उसके लिए सब जुट जाओ। और 2002 से 2005 तक हम लोगों ने उस संकल्प को सामूहिक प्रयत्न से पूरा किया। कलाम साहब आकर देख करके गए, 80 गांव के लोगों के साथ भोजन किया, बैठा, देखे, सब काम समझा, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि 80 गांव नहीं, अब आपका जो संकल्प है वो 2010 तक पूरा करके दिखाओ। हमारी पुस्तिका में 2009 छपा था, लेकिन उसका जो सुधार हुआ उसमें 2010 तय हुआ। नाना जी ने जाने के पहले पूछा कि क्यों हमारा काम पूरा हो जाएगा कि नहीं, अपने सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि नाना जी 2010 दिसंबर में पूरा काम होगा, 26 जनवरी 2011 को ये 500 गांव अपने बलबूते खड़े होंगे, ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, ये जो भी काम करेंगे अपने बलबूते करेंगे, सरकार की योजना चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे भारत सरकार की हो, सबको प्राप्त करने के लिए ये स्वयं से खड़े होंगे। और आज ये सभी 650 गांव के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के हो, अपने बलबूते खड़े हैं, चाहे फिजिकल कनेक्टिविटी हो, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी हो, जो भी कुछ कलाम साहब ने विजन 2020 में दिया था। हमारे यहाँ चित्रकूट में बिजली नहीं थी, टेलीफोन स्टेशन नहीं था, टावर नहीं थे, रोड्स नहीं थी, कुछ भी यहाँ नहीं था 1991-92 में, लेकिन सबने मिलकर के प्रयत्न किया तो यहाँ पर आज टावर आप देख सकते हैं कि कितने टावर है। पहले SR के रुइया को हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ती थी कि 4 मोबाइल फोन यहाँ चालू करा दो, लेकिन आज इंटरनेट की जो भी फैसिलिटी दुनिया में कहीं है वो चित्रकूट में है, और हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पूरे हिंदुस्तान में जो फैसिलिटी होती है वो केवल DRI ने नहीं, यूनिवर्सिटी ने, सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट ने, सरकार ने,
मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने, सबने मिलकर के चित्रकूट के लिए जो नाना जी ने बताया, संत महात्माओं के आशीर्वाद से हम सब ने पूरा किया। हम सब कलाम साहब यहाँ पहुंचे हैं, जो हमने काम किया था उसको हमने यहाँ किताब में दिया है, आज उसका विमोचन वो करेंगे। 48,000 से भी अधिक परिवारों का जो काम हुआ है, एक एक परिवार में क्या काम हुआ है उसको हमने इसमें लिख करके दिया है। और जो आबादी है वो 2 लाख से ऊपर से आबादी है जिस पर काम हुआ है, एक एक परिवार का विलेज सर्वे, फैमिली सर्वे, और ओनली 3 इयर्स, 2002 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 5 साल की कोई योजना। नाना जी बोलते थे कि योजना आयोग 5-5 साल की योजना बनाता है, तुम लोग 3 साल में करके दिखाओ, कोई भी काम हाथ में लो। हमारे समाज शिल्पी दंपतियों ने, ग्रेजुएट कपल्स ने गांव में बैठ करके इस स्वावलंबन अभियान को पूर्ण करने में अपना पूरी ताकत लगाई, और यहाँ चित्रकूट क्षेत्र के एक एक व्यक्ति ने इस काम में सहयोग किया, किसी ने भी विरोध नहीं किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके दीनदयाल शोध संस्थान का सहयोग सबने किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, जहाँ वो आते हैं और इस पूरे स्थान का उपयोग करते हैं। और हम सब ये चाहते हैं कि सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वभूत हिते रता की जो नाना जी बात करते थे, उस सब को आगे ले जाने के लिए आप सबका आशीर्वाद मिले। और दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकर्ता कभी भी किसी अहंकार में न रहें, सबका सहयोग लेकर के आगे बढ़े। आज 500 गांव किए थे, देश के 6 लाख गांव इसी प्रकार से खड़े हो अपने बलबूते, ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। भारत माता की जय।